100 वाटरमेलन चैलेंज विथ लायन एंड एलिफेंट। जंगल में नया नया शेर रहने आया था। जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। ज्यादा जानवर देखकर शेर ललचा जाता है। उस दिन वो खरगोश का शिकार करता है और उसे खा जाता है। अरे खरगोश खाकर तो मन ही नहीं भरा, लगता है फिर से शिकार करना होगा। तभी उसे सुअर दिखाई देता है। शेर सुअर के पीछे पड़ जाता है। शेर अपनी चालाकी से सुअर का शिकार करता है और उसे खाने लगता है। पर तभी उसे एक हिरनी दिखाई देती है। सामने इतना अच्छा शिकार होते हुए इस बदबूदार जानवर को कौन खाएगा? अब तो मैं हिरनी का ही शिकार करूंगा। शेर सुअर को मारकर उसे नहीं खाता है और तीसरे शिकार के लिए चल पड़ता है। शेर दबे पाँव हिरनी के पास जाने लगता है। तब हिरनी शेर को देख लेती है। हिरनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, तो उसके पीछे शेर भी भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद शेर हिरनी को पकड़ लेता है। शेर हिरनी को घायल करता है, पर अचानक से शेर का मन बदल जाता है और वो कहता है, अरे भाग भाग कर थक गया, अब इस हिरनी से भी मन उड़ गया, चलो मैं तो आराम करने जाता हूँ। शेर हिरनी को घायल छोड़कर वहां से अपनी गुफा में चला जाता है। बेचारी हिरनी दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वहां हाथी आता है। हिरनी हाथी से कहती है, हाथी भाई देखो शेर ने मेरी क्या हालत कर दी, मेरी मदद करो भाई, मुझे घर तक पहुंचा दो। अरे ये शेर भी ना, अगर इसे नहीं खाना था तो तुम्हारा शिकार ही क्यों किया, बड़ा ही अजीब है ये शेर, पर चलो पहले मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाथी हिरनी को अपनी सूंड में पकड़कर उसे घर ले जाता है। हाथी उल्लू वेद को बुलाता है। उल्लू वेद हिरनी का इलाज करता है, उसके जख्मों पर दवा लगाता है और वहां से चला जाता है। तब हाथी कहता है, हिरनी बहन अब आराम करो, मैं चलता हूँ। हाथी वहां से चला जाता है। शेर ऐसे ही रोज रोज शिकार करता और उन्हें खाकर छोड़ देता था। शेर की इस हरकत से कुछ जानवर मर जाते तो कुछ घायल हो जाते थे। जानवर शेर के इस शिकार करने की आदत से परेशान हो जाते हैं। सारे जानवर शेर के पास आते हैं। तब हिरनी शेर से कहती है, शेर तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकत से हमें कितनी परेशानी हो रही है? कैसी परेशानी हिरनी, और मैंने क्या किया है? अरे वाह इतने जल्दी भूल गए क्या, जब देखो तब शिकार करना, जानवरों को मारना, उन्हें घायल करना, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? अरे मेरा पेट ही इतना है कि एक बार शिकार करने से मेरा पेट ही नहीं भरता, और जब मुझे भूख लगती है तो मुझसे रहा नहीं जाता। वैसे जंगल का ये नियम है, भूख के लिए हम शिकार कर सकते हैं। अब आप मेरे सामने कमजोर हो तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझाने से अच्छा है कि खुद की रक्षा करना सीखो। शेर जानवरों को ही चुप कराता है। सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। वो सारे एक जगह पर इकट्ठा होकर सोच में डूबे रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो शेर को शिकार करने से कैसे रोके। तभी वहां बंदर आता है और कहता है, सुनो साथियों, शेर ने कहा था कि वो भूख लगने पर कुछ भी खा सकता है, बस हमें इसकी किसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। दो दिन के लिए हमें शेर से छुप कर रहना होगा, उसे भूखा रखना होगा, तब जाके वो हमारे जाल में फंस जाएगा। बंदर की बातों से सारे जानवर सहमत हो जाते हैं। वो सारे दो दिन के लिए जंगल से बाहर जाते हैं। इधर शेर को शिकार नहीं मिलता है, वो दो दिन भूखा रह जाता है। अरे ये सारे के सारे जानवर कहाँ चले गए, कहीं मेरी वजह से ये जंगल तो नहीं छोड़ दिया इन्होंने, अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा। तभी बंदर एक गाड़ी लेकर वहां आता है जहां पर 100 तरबूज रखे हुए थे। थोड़ी देर में बाकी के जानवर भी वहां आते हैं। तब बंदर शेर से कहता है, शेर तुमने कहा था कि भूख लगने पर तुम कुछ भी खा सकते हो, अब ये 100 तरबूजे है, इसे खाकर दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये जरूर खाऊंगा,
पर ऐसे नहीं, कोई चैलेंज रहा तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, हम हाथी और तुम्हारा 100 तरबूज खाने का चैलेंज लगाते हैं। जो जीतेगा उसे एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। शेर इस चैलेंज को स्वीकार करता है। अब शेर और हाथी के बीच 100 तरबूजे खाने का चैलेंज लग जाता है। हाथी तो जल्दी जल्दी तरबूजे खाने लगता है, पर शेर वो था मांस खाने वाला। उसे तरबूजे खाने में दिक्कत आने लगती है और एक समय शेर तरबूज खाने से मना कर देता है। बाप रे, मैं नहीं खा सकता ये तरबूजे, मैं हार गया। अब आप जो कहो वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो आज से तुम्हें बस एक ही शिकार करके खाना होगा। अगर ये हमारी शर्त माननी है तो ही इस जंगल में रह सकते हो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। शेर बंदर की शर्त मान जाता है। इस तरह से 100 तरबूज चैलेंज में शेर हार जाता है और बाकी जानवरों की जान बच जाती है। काला चीता और 3 रंगीन शेर। एक जंगल था जिस जंगल का कोई राजा नहीं था, पर बिना राजा के उस जंगल में सुख शांति थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उस जंगल में 3 शेर भाई सिम्बा, वीरू और जय आते हैं। जंगल में ढेर सारे जानवर और जंगल का कोई राजा नहीं, ये देखकर सिम्बा अपने भाइयों से कहता है, अरे जय और वीरू, इस जंगल का तो कोई राजा नहीं है, और हाँ, हमारे सिवा कोई राजा बन भी नहीं सकता। तुम जल्दी से सारे जानवरों को इकट्ठा करो। जय और वीरू सारे जानवरों को धमका कर उन्हें इकट्ठा करता है। सामने 3 शेरों को देखकर वो सारे जानवर आपस में बातें करने लगते हैं कि तभी सिम्बा कहता है, सुनो, आज से हम तुम्हारे राजा है, इसलिए तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी और हमारी सेवा करनी होगी। सिम्बा की बात सुनकर वही खड़ी हिरन कहती है, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारे जंगल का राजा नहीं है तो क्या हुआ, पर हमारा एक मसीहा है बगीरा, हम उनके होते हुए किसी की बात नहीं सुनेंगे। अरे कौन है वो बगीरा, हमसे भी ज्यादा पावरफुल है क्या वो? बुलाओ उसे, कहा है वो, हम तीनों भाई मिलकर उसे भी हमारा गुलाम बना देंगे। सारे जानवर 3 शेरों की बात मानने से मना कर देते हैं, पर वो 3 भाई जानवरों पर हमला करके उन्हें घायल करने लगते हैं। घायल जानवर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तब हिरन चिल्लाने लगती है, बगीरा बगीरा जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? सारे जानवर बगीरा को पुकारने लगते हैं। तभी वहाँ बगीरा आता है और वो 3 भाइयों से कहता है, मैं हूँ इस जंगल का मसीहा बगीरा, मेरे होते हुए तुम मेरे जानवरों पर सितम नहीं कर सकते, चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो। तब जय सिम्बा से कहता है, अरे भैया, पहले इस बगीरा को ही रास्ते से हटा देते हैं, तब ये सारे जानवर अपने आप हमारे गुलाम बन जाएंगे। 3 भाई बगीरा को घेर लेते हैं, पर बगीरा तो अपने आप में एक ताकत थी। बगीरा एक साथ 10-10 शेरों पर भी भारी पड़ सकता था, तो फिर ये 3 शेरों की क्या मजाक। वो 3 भाइयों से लड़ लेता है और उन्हें मार मार कर भगा देता है। तब वो 3 भाई डर के मारे भागते हुए उसी जंगल की एक गुफा में चले जाते हैं और वही चुपके से रहने लगते हैं। एक दिन जय सिम्बा से कहता है, भैया, हम कब तक ऐसे छुपके जीवन बिताएंगे? जहाँ जाते हैं वहाँ बस निराशा ही हाथ आती है, और इस बगीरा ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। तू चिंता मत कर, देख हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बस हमें थोड़ा सबर रखना होगा। सिम्बा अपने भाइयों को दिलासा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो 3 भाई शिकार की तलाश करते रहते हैं कि तभी सिम्बा को एक गिरगिट काट लेता है। गिरगिट के काटते ही सिम्बा रंगीन हो जाता है। वो गिरगिट एक एक करके जय और वीरू को भी काट लेता है और वो दोनों भी रंगीन शेर में बदल जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ जाती है। ये चमत्कार देखकर वो 3 तो चकित हो जाते हैं। तब सिम्बा कहता है, ये कैसा चमत्कार हो गया, लगता है ये गिरगिट जादुई है। हाँ भैया, रंगीन बनते ही मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, एक अजीब सी ताकत आ गई है शरीर में।
हम तीनों भाइयों में शक्ति आ गई है भैया। अब हम तीनों भाइयों से बघेरा नहीं बच सकता और हम इस जंगल के राजा बनकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। तीनों भाई खुद में हुए इस बदलाव से बहुत खुश हो जाते हैं। ताकतवर बनकर वो जानवरों को मारकर खाने लगते हैं। जानवर तो डर के मारे इधर से उधर भागने लगते हैं कि तभी वहाँ बघेरा आता है। बघेरा उन तीनों को रोकने की कोशिश करता है पर इस बार वो कमजोर पड़ जाता है। बघेरा हार कर नीचे गिर जाता है। तब सिम्बा हंसते हुए कहता है, देख बघेरा, हम तीनों भाइयों को अच्छे से देख, हम तुम्हें जान से मारने आए हैं। उस दिन हम कमजोर थे पर आज तू कमजोर है। सिम्बा और उसके भाई बघेरा को मारते हैं, पर बघेरा घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। रंगीन शेरों को देखकर वो सारी बात समझ जाता है और कहता है, ये सब तो उस गिरगिट की वजह से हुआ है। अब जब तक गिरगिट मारा नहीं जाता तब तक बघेरा इन तीनों रंगीन बाघ को भी कोई नहीं मार पाएगा। बंदर अपनी मदद के लिए सांप को अपने साथ ले जाता है। सांप और बंदर मिलकर उस गिरगिट को ढूंढ लेते हैं। सांप गिरगिट को देखते ही उसे काट लेता है और अपने जहर से उसे मार देता है। गिरगिट के मरते ही रंगीन शेर भी साधारण बन जाते हैं और उनकी ताकत भी चली जाती है। वो तीनों भाई लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। तीनों भाई खुद को साधारण पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तब बघेरा उन्हें पकड़ पकड़ कर जान से ही मार देता है और इस तरह से तीन रंगीन शेर का अंत हो जाता है। अनाथ बाघ के बच्चे का अन्वेषण और माँ का पुनर्जन्म। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा बघेरा नाम का एक काला चीता था जो बहुत ही जालिम और निर्दयी था। उस जंगल में रुद्र नाम का बाघ का बच्चा था जिसका अपना कोई नहीं था। वो एक अनाथ था। जंगल के जानवर ही उसकी देखभाल करते थे। रुद्र हमेशा उदास रहता था। उसे हर पल एक ही बात सताती थी कि उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ से आया था। एक दिन रुद्र एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था कि तभी उधर से गुजर रहे हिरन, लोमड़ी और हाथी रुद्र को देखकर, क्या बात है रुद्र, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, मैं अभी उन्हें उनकी नानी याद दिला दूंगी। नहीं हाथी मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसे होंगे, वो जिंदा भी है या उन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर लोमड़ी, हिरन और हाथी एकदम से उदास हो जाते हैं कि तभी हाथी अपने आप को संभालते हुए रुद्र से कहती है, अरे बेटा रुद्र, तुम इतना सोचा मत करो, हम सब तुम्हारे परिवार का ही तो हिस्सा है ना। हाँ बेटा रुद्र, तुम यू उदास मत रहा करो, तुम्हें यू उदास देख हम भी उदास हो जाते हैं। अरे यहाँ का सीन तो बहुत ही इमोशनल होता जा रहा है, अगर मैं उदास हो गई तो मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी ना रे बाबा ना। अरे रुद्र बेटा, बंदर के पास बहुत सारे आम पड़े हैं, चलो चलकर उनका मजा लेते हैं। यूं हिरन रुद्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी हाथी से कहती है, हाथी बहन, रुद्र की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। वो जंगल का राजा होते हुए भी एक अनाथ की जिंदगी गुजार रहा है। उदास ना हो लोमड़ी, हम सब रुद्र को इतना ताकतवर बनाएंगे कि वो उस दुष्ट बघेरा को मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेगा और साथ ही साथ जंगल का राजा बनकर हम सबकी जिंदगी सवार देगा। बस सही समय का इंतजार है। यूं दिन बीत गए। रुद्र बड़ा हो गया। बघेरा रुद्र से गुलामों की तरह काम करवाता था। ये देख सारे जानवर मन ही मन घुटते रहते थे। रुद्र बड़ा तो हो गया पर उसके मन में उसके माता पिता का ख्याल मिट नहीं सका। वो उनकी खोज में ही था। वही दूसरी ओर पास के जंगल में एक बाघिन रहती थी जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी।
जिसके चलते बाघिन बहुत उदास रहती थी। बाघिन को अक्सर नींद में बुरे बुरे सपने आते थे और वो जोर से चिल्लाते हुए जाग जाती थी। बाघ ने कई सारे वैद्य को बाघिन के बारे में बताया, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। उस दिन भी बाघिन जोर से चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। क्या हुआ? क्या फिर से वही सपना? कोई है जो मुझे मार रहा है। मैं खून से लथपथ पड़ी हूँ और मेरा बच्चा मेरी ओर उदास नजरों से देख रहा है। देखो बाघिन, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। देखो, तुम अपने आप को यूँ तकलीफ मत दिया करो, सब ठीक हो जाएगा। यूँ बाघ बाघिन को तसल्ली देता है। एक दिन बाघ के जंगल में कुछ शिकारी आते हैं। जानवर शिकारियों से अपने अपने जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। बाघिन भी शिकारियों से बचते हुए भाग रही थी। वो भागते भागते रुद्र के जंगल में आ जाती है। बाघिन को देखकर वहाँ के जानवर एकदम से चौंक जाते हैं। हाथी और लोमड़ी बाघिन को देख हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी वहाँ रुद्र आता है। रुद्र बाघिन को देखकर कहता है, कौन हो आप? यहाँ कैसे आई? मैं पास के जंगल में रहती हूँ, वहाँ कुछ शिकारी आ गए थे, उनसे बचते हुए मैं यहाँ आ गई। कुछ ही देर में मैं वापस चली जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। बाघिन यूँ बोल रही थी कि हाथी और लोमड़ी बाघिन को हक्के बक्के होकर देखने लगते हैं। ये देख रुद्र कहता है, अरे हाथी मासी, लोमड़ी बुआ को क्या हुआ? क्यों तुम दोनों यूँ मूर्तियों की तरह खड़े हो? चलो, महाराज ने आज मुझे शिकार ढूंढ कर लाने को कहा है। ये सुनकर हाथी और लोमड़ी हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, वो कुछ नहीं बेटा, चलो चलते हैं। रुद्र बाघिन की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। यो रुद्र हाथी और लोमड़ी को लेकर वहां से निकलता है। बाघिन बहुत थकी हुई थी, वो वही पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। बाघिन बार बार रुद्र को देखते जा रही थी। तब वो अपने मन में सोचती है, इस रुद्र को देखकर क्यों पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है, पर छोड़ो, जो भी हो मुझे जल्द से जल्द महाराज के पास जाना होगा, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। यूँ बाघिन सोच ही रही थी कि एक हिरन अपने बच्चे को लेकर भागते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये देख बाघिन हिरन को रोकती है। तब हिरन कहती है, महाराज मेरे बच्चे का शिकार करना चाहते हैं, उन्हें आज मेरे बच्चे का मांस खाना है, कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो। यूँ हिरन बोल ही रही थी कि बगीरा वहाँ आता है। बगीरा बाघिन को देखकर चौंक जाता है। अरे कैसे राजा हो तुम, जो अपने ही जानवरों को यूँ परेशान कर रहे हो? तुम होती कौन हो जो मेरे राज्य के मामलों में दखल देने वाली? जहाँ से आई हो वही चली जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे दुष्ट राजा के मुंह लगने का। देखो, तुम इस माँ और बच्चे को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तेरी ये मजाल कि तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। रुद्र और बाकी के जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। बगीरा और बाघिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाघिन बगीरा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख रुद्र को बहुत बुरा लगता है। बगीरा खुश था और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बड़ी आई मेरे मामले में दखल देने वाली। कि तभी बाघिन को अपना पुनर्जन्म याद आता है कि कैसे बगीरा ने उसे और उसके पति को अपने ही नवजात बच्चे के सामने मार दिया था। बाघिन एकदम से रुद्र का नाम लेकर चिल्लाती है, बेटा रुद्र, ये तुम्हारे माता पिता का कातिल है, इसे मार दो बेटा, मार दो। ये सुन बगीरा रुद्र और बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। हाँ रुद्र, बाघिन सही कह रही है, लगता है ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। ये बगीरा तुम्हें भी मारना चाहता था,
पर हम सब ने उसे वादा किया था कि हम सब तुम्हें तुम्हारे अतीत से दूर रखेंगे और हमने वैसा ही किया। तुम्हारे पिता इस जंगल के राजा थे, तुम्हें एक अनाथ का जीवन व्यतीत करना पड़ा। हमें माफ कर दो कि हमने ये सब तुमसे छुपा कर रखा। ये सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बगीरा पर हमला करता है। बगीरा और रुद्र के बीच लड़ाई होती है। रुद्र अपनी पूरी ताकत से बगीरा को मार डालता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। रुद्र और बाघिन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रुद्र जंगल का राजा बनकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है। मंकी बाम्बू बाइक रेस चैलेंज, ब्लैक पैंथर, टाइगर एंड लायन। एक बार की बात है, जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर जानवरों से बहुत अच्छे से पेश आता था। उसी जंगल में बगीरा नाम का काला चीता और बाघ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उस जंगल में एक परंपरा थी। उस जंगल में हर साल एक बाइक रेस रखी जाती थी। जो भी इस रेस में जीता वही उस जंगल का राजा बनता था। अक्सर शेर ही रेस में जीतता था और जंगल का राजा बनता था। पर यह बात बगीरा और बाघ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन बगीरा बाघ से कहता है, अरे दोस्त, इस बार बाइक रेस प्रतियोगिता में कुछ भी करके हमें उस शेर को हराना होगा। हाँ सही कहा तुमने, इस बार धोखे से ही सही, पर उस शेर को तो हराना ही पड़ेगा। यूं वो बातें कर रहे थे कि हाथी और लोमड़ी वहां आते हैं। अरे क्या बात है, दो शातिर दिमाग क्या राजनीति चला रहे हैं। अरे हम भला क्या राजनीति की बातें कर सकते हैं, वैसे हम आने वाली बाइक रेस के बारे में बात कर रहे थे। लगता है इस बार भी महाराज ही जीतेंगे। अरे इसमें लगने वाली क्या बात है, महाराज ही बाइक रेस जीतेंगे। वैसे भी इस पूरे जंगल में किसी के बस की बात नहीं है कि वो महाराज को हरा कर बाइक रेस जीते। हम चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। चलो चलो, महाराज ने मुझे उनकी बाइक साफ करने के लिए कहा था, अब कुछ ही दिन बाकी है रेस के लिए। यूं हाथी और लोमड़ी वहां से चले जाते हैं। तब बगीरा बाघ से कहता है, दोस्त यही मौका है, हम उस बाइक को तोड़ देते हैं। ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और सारा इल्जाम लोमड़ी पर चला जाएगा। अरे वाह बगीरा, क्या आइडिया है। चलो हम लोमड़ी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि शेर की बाइक कहाँ है। यूं बगीरा और बाघ चुपके से लोमड़ी का पीछा करते हैं। लोमड़ी एक गुफा में जाती है जहाँ शेर की बाइक रखी थी। लोमड़ी उस बाइक को गुफा से निकाल कर बाहर लाती है और अच्छे से साफ करती है। अरे वो बाइक तो बड़ी खुशकिस्मत है, जो तू महाराज की फेवरेट बाइक है। देख, हर बार की तरह इस बार भी महाराज का साथ देना, समझी ना। अब जाकर गुफा में आराम कर, मैं भी चलती हूँ, वैसे कल महाराज आने वाले हैं तुझसे मिलने। यूं लोमड़ी बाइक को वापस गुफा में रख कर वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी के जाते ही बगीरा और बाघ बाइक के पास आते हैं। महाराज की फेवरेट बाइक, अब देखते हैं कि महाराज कैसे इस बाइक को प्रतियोगिता में इस्तेमाल करते हैं। इस बार तो रेस हम ही जीतेंगे। यूं दोनों उस बाइक को तोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह शेर लोमड़ी से कहता है, सुनो लोमड़ी, परसों बाइक रेस है, क्या तुमने मेरी बाइक अच्छे से साफ कर दी। जी महाराज, कल ही मैं आपकी बाइक अच्छे से साफ करके आई थी। तो फिर ठीक है, चलो चलकर एक राइड डालते हैं। यूं शेर लोमड़ी को लेकर बाइक के पास आता है। गुफा में बाइक को टूटा हुआ देखकर लोमड़ी और शेर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शेर अपनी बाइक को देखकर गुस्से से दहाड़ मारता है और कहता है, किसकी तरी मजाल की, उसने मेरी बाइक तोड़ दी। शेर की गुस्से भरी दहाड़ सुन सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। बगीरा और बाघ भी वहां आते हैं। वो शेर की हालत देख मन ही मन खुश हो रहे थे। अरे ओ लोमड़ी, तू ही मेरी बाइक की देखभाल कर रही थी, बता ये सब कैसे हुआ। तब लोमड़ी डर के मारे कहती है, महाराज मैं कुछ नहीं जानती,
कल तक तो बाइक ठीक थी, पता नहीं किसने ये हाल कर दिया। पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है, अगर महाराज की जगह मैं होता तो कब का तुम्हें कैद कर देता। अरे बगीरा बस करो, लोमड़ी ऐसी नहीं है, हम सब जानते हैं वो महाराज के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ महाराज, लोमड़ी ऐसा नहीं कर सकती, उसे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दीजिए। काफी देर सोचने के बाद शेर कहता है, लोमड़ी रेस वाले दिन अगर तुमने गुनहगार को पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें यह जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। वैसे तुम्हारी वजह से मैं भी रेस में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। सुनो साथियों, जिसके पास भी बाइक है वो सब परसों होने वाली बाइक रेस के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर शेर उदास मन से वहां से चला जाता है। बगीरा और बाघ भी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। लोमड़ी फूट फूट कर रो रही थी। देखो लोमड़ी, तुम रो मत, सब जानते हैं कि तुम निर्दोष हो, ये हो ना हो जरूर बगीरा और बाघ की ही कोई चाल है। मैं अभी अपने दोस्त कव्वे से कहकर उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहता हूँ। रही महाराज की बाइक की बात, तो मेरे पास एक उपाय है। बंदर अपना उपाय लोमड़ी और हाथी को बताता है। ये सुनकर लोमड़ी चैन की सांस लेती है। प्रतियोगिता का दिन आता है। सारे जानवर अपनी अपनी बाइक लेकर खड़े थे। बाघ और बगीरा भी अपनी बाइक पर थे। तब बगीरा बाघ से कहता है, दोस्त ऑल द बेस्ट, आज तो शेर भी नहीं है, ये रेस हम ही जीतेंगे। यूं वो दोनों खुश हो रहे थे कि अचानक वहाँ शेर बांबू बाइक लेकर आता है। ये देख बगीरा और बाघ के होश उड़ जाते हैं। क्यों बगीरा, कैसी लगी मेरी नई बाइक, अच्छी है ना, चलो रेस शुरू करते हैं। रेस शुरू होती है। शेर बहुत ही तेजी से बांबू बाइक पर जा रहा था। जानवर शेर की जय जयकार कर रहे थे। इधर बगीरा और बाघ के बाइक के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो दोनों धड़ाम से एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उई अम्मा, मर गया रे। हाय रे मेरी कमर। शेर रेस जीत जाता है। सारे जानवर गड्ढे के पास आते हैं। क्यों कैसी लगी रेस, तुम दोनों ने क्या सोचा कि तुम दोनों की गलती पकड़ी नहीं जाएगी? तुम दोनों ने मेरी बाइक तोड़ दी ताकि मैं रेस में भाग ले ना सकूं और इल्जाम लोमड़ी पर डाल दिया। अरे वो तो भला हो बंदर का जिसने सही वक्त रहते अपने दोस्त कौवे की मदद से तुम दोनों की सच्चाई जान ली और लोमड़ी को बेगुनाह साबित कर दिया। बंदर मेरे लिए बांबू बाइक बना कर ले आया जिसकी वजह से मैं रेस में भाग ले सका। आज से बंदर मेरा खास मंत्री है और तुम दोनों की ये सजा है कि तुम दोनों ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। बंदर भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बगीरा और बाघ जंगल छोड़कर चले जाते हैं और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। सफेद शेर का पुनर्जन्म, जादुई पेड़ और रंगीन नागिन का अंत। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही सफेद और अनोखा था। वो बहुत ही दयालु था। शेर और शेरनी जानवरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, जानवर ही उनके लिए सब कुछ थे। शेर के राज्य में जानवर बहुत ही खुश थे। एक दिन एक बछड़ा मदद के लिए भाग रहा था। माँ मेरी मदद करो माँ, ये बाघ मुझे मार डालेगा। बाघ बछड़े के पीछे पड़ा था। बछड़ा भागते भागते काफी दूर चला जाता है। वो एक पुरानी गुफा में चला जाता है जहाँ वो एक दरवाजे को देखकर कहता है, अरे ये कैसा दरवाजा है, बड़ा ही अजीब है, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। वो दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे में से एक बहुत ही बड़ी आवाज से भरी रोशनी आती है जिसे सुनकर बछड़ा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उस गुफा से एक भयंकर रंगीन सांप बाहर आता है जो बहुत ही खतरनाक था। वो अपना फन खोलकर दस मार रहा था। उसी जंगल में एक मायावी पेड़ था। पेड़ आवाज को सुनकर, लगता है इतने सालों बाद वो शैतानी नागिन फिर से बाहर आ गई है, जंगल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो दूसरी ओर, अरे
कितने साल बीत गए, बहुत भूख लग रही है। इन सारे जानवरों को खाकर मैं अपनी इतने सालों की भूख को मिटाऊंगी। वो बहुत ही तेजी से जंगल की ओर बढ़ती है और जंगल में आतंक मचाने लगती है। जानवर रंगीन नागिन को देखकर डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। नागिन जानवरों को चींटियों की तरह डस रही थी। वो जानवरों को जकड़कर उनकी हड्डियों को पेड़ की टहनियों की तरह तोड़ रही थी और दूर फेंक रही थी। बेचारे जानवरों को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। सारे जानवर शेर के पास जाकर अपनी जान की गुहार लगाते हैं। ये सुनकर शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए नागिन का अंत करने उसके पास जा ही रहा था कि तभी शेरनी कहती है, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी उस राक्षस का अंत करने। नहीं, तुम इन जानवरों का ख्याल रखना, ये सब बहुत डरे हुए हैं, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ये कहकर शेर नागिन को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद नागिन उसे नजर आती है। वो उसे कहता है, अरे ओ नागिन, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों को मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख, मैं एक शक्तिशाली नागिन हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो मेरा गुलाम बन और मेरी सेवा कर, नहीं तो तू भी इन बाकी जानवरों की तरह अपनी जान गवा बैठेगा। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो नागिन पर हमला करता है। नागिन अपनी शक्ति का उपयोग करके शेर को घायल कर देती है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। नागिन बहुत खुश हो जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देखता है और वो भागते हुए जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। शेरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहती है, उस नागिन की ये मजाल कि वो महाराज को घायल करे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर शेरनी एक घायल शेरनी की तरह नागिन के पास जाती है और उस पर हमला करती है। नागिन अपनी शक्तियों से शेरनी को भी घायल कर देती है। वो शेरनी को मारने ही वाली थी कि तब शेर कहता है, रुक जाओ नागिन, मैं और शेरनी तुम्हारे गुलाम बनने के लिए तैयार है, तुम प्लीज जानवरों को छोड़ दो। यूं शेर और शेरनी नागिन के सेवक बन जाते हैं। नागिन की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानवरों को ना तो भोजन दे रही थी और ना ही पानी। जानवर और उनके बच्चों की हालत बिना खाने और पानी के बहुत खराब हो रही थी। शेर नागिन से कहता है, देखो हम बड़ों को ना सही, कम से कम बच्चों को तो खाना और पानी दो, बेचारे भूख और प्यास के मारे कमजोर हो गए हैं, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा ये बात है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले इन छोटे छोटे पिल्लों को ही खा लेती हूँ। ये सुनकर सारे जानवर रोने लगते हैं और नागिन से अपने बच्चों की जान की भीख मांगते हैं, पर उस जालिम को उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं आती है। वो बच्चों पर हमला करने ही वाली थी कि शेर और शेरनी उसके आगे चले जाते हैं। वो दोनों नागिन के हमले से घायल हो जाते हैं। शेर तो मर ही जाता है। शेरनी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। नागिन शेरनी को उठाकर दूर फेंक देती है। शेरनी एक पेड़ के नीचे गिर जाती है। वो वही पेड़ था जिसे खतरे का आभास हुआ था। जिसका डर था वही हुआ। ये जंगल यूं बर्बाद नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्तियों से शेर को पुनर्जन्म दूंगा और नागिन को मारने में उसकी मदद करूंगा। ये कहकर पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से शेर को पुनर्जन्म देता है। पेड़ शेर को कई सारी जादुई शक्तियां देता है जिससे शेर बहुत ही ताकतवर बन जाता है। ये देख शेरनी और बाकी के जानवर खुश हो जाते हैं। शेर नागिन पर टूट पड़ता है। ये देख नागिन डर जाती है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। नागिन शेर की शक्तियों के सामने रुक नहीं पाती, वो मर जाती है। शेर और शेरनी पेड़ का धन्यवाद करते हैं। उस दिन से जंगल में अब कभी भी मुसीबत आती तो शेर जादुई पेड़ की मदद से जंगल की रक्षा करता।